खबरों की नई पहचान। भगवान विष्णु को प्रिय कार्तिक मास की पूर्णिमा शुक्रवार को मनाया गया। कार्तिक मास को पुण्य मास माना जाता है। इससे कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान व दान पुण्य का खास महत्व है। आज धनबाद के दामोदर नदी हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। आसपास के लोग कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए दामोदर घाट पहुँचे हुए हैं। मान्यता यह है कुश लेकर इस तिथि पर गंगा स्नान व स्नान करने से 7 जन्म के पापों का नाश हो जाता है। चरम रोग व कर्ज से मुक्त मिलने के साथ वैवाहिक संबंधों में आने वाली परेशानियां भी दूर हो जाती है। वही भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन काफी मुस्तैद दिख रही है। भीड़ को देखते हुए पुलिस नदी के किनारे तैराकी को भी तैनात कर रखी है और आने को किसी तरह परेशानी ना हो इसलिए यातायात को भी दुरुस्त रखा गया है ताकि भक्त आसानी से नदी घाट तक पहुँच सके। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन में गंगा में स्नान करने से सुख संपन्न आता है और आस्था से भरा हुआ यह पर्व है। हिंदुओं लोग भारत वर्ष में पूरे वर्ष में अच्छा से मनाया जाता है। आज पूर्णिमा है, गंगा नहा, कार्तिक पूर्णिमा है। हाँ, गंगा नहा, नदी में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है हम लोग का। आई हम लोग का त्यौहार मना जाता है, बिहार के ही वो त्यौहार है। उपदेश है कि कार्तिक पूर्णिमा है आज, आज नहाने से बहुत उपदेश मिलता है, पुण्य मिलता है हम लोग का। दान पुण्य करना पड़ता है हर चीज़ का। पूर्णमासी है, कार्तिक पूर्णमासी है, हम लोग गंगा नहाने के लिए आए हैं। हम लोग बहुत खुशी का मनाए हैं, साल भर बाल बच्चा आनंद से रहेंगे और खुशियाँ मनाएंगे पूर्णमासी दिन और पूजा करेंगे। पूर्णमासी कार्तिक का ये सब नहाने से बाल बच्चा सुखी शांति रहता है, साल में एक बार आता। आज त्यौहार है पूर्णिमा, रास पूर्णिमा। उद्देश्य क्या है? भगवान वृंदावन में भगवान 108 सखी लेके रास किए हैं। हाँ, इसीलिए जो कि महत्तम है इस पूर्णिमा में पूजा करने से, गंगा नहाने से, दान पुण्य करने से पाप नष्ट होता है, धर्म होता है और कुछ नहीं, इतने ही है महत्तम इसमें। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा में शुद्ध है, शुद्ध पूर्णिमा है ये। हम बोलते हैं इसमें एकदम शुद्ध पूर्णिमा है, पाप का नष्ट है, धर्म होता है इसमें, पुण्य होता है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, व्रत करते हैं, जो छठ व्रती है व्रत करती है। आज का नहान शुभ होता है, आज का नहान शुभ माना जाता है। जो अपने पितरों का पूजा वूजा करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए पूजा करते हैं कि हम लोग छठ पूजा, हम लोग को परंपरा है कि नहाना चाहिए और नहाने से हम लोग का आस्था है जो मन में वो निकलता है कि नहाने से गंगा स्नान करना चाहिए। यहाँ पर आए हुए सबको ये पूर्णिमा है जो छठ का बाद होता है, जो सबको नहाना मतलब जरूरी होता है, इसका बाद ही जो नियम होता है कार्यक्रम जो करता है छठ का बाद ही होता है, पूर्णिमा का बाद ही सब कुछ होता है। बहुत अच्छा लगा, भीड़ देख के तो लग रहा है कि भीड़ जमा हुआ है, अच्छा लग रहा है सबको, बहुत दूर दूर का आदमी सब आया हुआ है। नहा रहे हैं सब परिवार मिलकर, अपना अथी है कि पुण्य मिलता है, आशीर्वाद भी देते हैं, लेते भी हैं, भगवान से भी पुण्य लेते हैं। हर साल नहा जाता है कि पाप सब धुल जाते हैं, इसलिए हम नहाने के लिए आया। कार्तिक का पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए सब नहाने के लिए आते हैं। ये पूर्णिमा का बहुत महत्व माना गया है, इसीलिए ये कार्तिक पूर्णिमा में बहुत सारे आदमी आते हैं बहुत जगह से नहाने के लिए। कि कुछ भी अगर पाप या पुण्य किया हो तो सब ये पूर्णिमा में नहा के अपना शुद्ध होकर यहाँ से जाते हैं। हमारे जो पहले का संस्कृति है तो उसे हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। हमारे पूर्वज जो भी थे तो वो भी मतलब ये परंपरा चलती आई है कार्तिक नहाने की, जो कि छठ पूजा के कुछ दिन बाद एक नियम होता है नहाने का, गंगा स्नान करने का। बहुत कोई तो गंगा घाट पे भी जाते हैं नहा, वही तो वही नहा के शुद्ध होना, ऐसे ऐसे मान्यता है कुछ ऐसी हमारे पूर्वजों की, इसलिए हम लोग नहाते हैं यहाँ पे आके। बहुत इंजॉय किया हम लोग, बहुत मज़ा आ रहा है, पानी भी बहुत अच्छा है। खबरों की नई पहचान।